नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव, मैं हूं वरुणेंद्र। चॉकलेट बाबा कौन है राजनीति में, आज एक बार फिर से यह चर्चा गर्म हो गई। करीब दो साल के बाद, दो साल पहले जब स्थानीय निकाय प्राधिकार के कोटे से एमएलसी का चुनाव होना था, तो उस वक्त भी चॉकलेट बाबा बहुत वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर। उसमें राष्ट्रीय जनता दल से बगावत करके चुनाव लड़ रहे थे अशोक यादव निर्दलीय। अशोक यादव कौन है आप जानते हैं, पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद और नवादा विधायक विभा देवी के भतीजे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी का टिकट चाहते थे, सरवन कुशवाहा को मिल गया था, वही सरवन कुशवाहा जो आज नवादा से राष्ट्रीय जनता दल के पार्लियामेंट के कैंडिडेट हैं। तो हुआ ये कि जब आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो वो बागी हो गए। तो बागी होने के बाद उसमें कहीं ना कहीं एमएलसी चुनाव का प्रचार प्रसार से लेकर पूरा रणनीति प्रबंधन का कमान बिहार में राजद के मुख्य प्रवक्ता माने जाते हैं या हैं शक्ति सिंह यादव। तो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता, वैसे कार्यकर्ता जो अशोक यादव के लिए काम कर रहे थे, वो ट्विस्ट दे रहे थे कि चॉकलेट बाबा ने बर्बाद कर दिया, चॉकलेट बाबा ने बर्बाद कर दिया, सारा खेल चॉकलेट बाबा का है। आज करीब करीब वही पुनरावृत्ति फिर से नवादा की पॉलिटिक्स में है। जब पार्लियामेंट चुनाव चल रहा है तो अशोक यादव के चाचा यानी राजवल्लभ प्रसाद के भाई विनोद यादव निर्दलीय कैंडिडेट हैं। राष्ट्रीय जनता दल का टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव बागी होकर के लड़ रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विनोद यादव के द्वारा बुलाया गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक यादव भी थे। राष्ट्रीय जनता दल की विधायक यानी जो कैंडिडेट हैं विनोद यादव, उनकी भाभी वो भी थी। इसके अलावा रजौली के विधायक प्रकाश भीड़ भी थे। तो नवादा विधायक विभा देवी और रजौली विधायक प्रकाश भीड़ की मौजूदगी में और प्रत्याशी विनोद यादव की मौजूदगी में एमएलसी जो है अशोक यादव ने काफ़ी कुछ बातें कही। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बाहरी प्रत्याशी यहाँ से जीत जाते हैं, कोई विकास नहीं करते हैं, चीनी मिल चला गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें उन्होंने की। विनोद यादव को चुनाव क्यों लड़ना पड़ा इसके बारे में भी उन्होंने कहा। और एक बात और उन्होंने कहा, चॉकलेट बाबा का नाम लिया कि नालंदा में उन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया, लालटेन को बुझा दिया है, अब नवादा में भी लालटेन को बुझाने के लिए वो पहुंचे हुए हैं और स्थिति बना दी है कि लालटेन बुझना ही बुझना है, काफी हमला बढ़ रहे हैं। तो ये चॉकलेट बाबा हैं कौन, इतना सारी बात जो बताए आप समझ ही गए होंगे कि चॉकलेट बाबा किनको कहा जा रहा है। वही जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, चॉकलेट बाबा उन्हीं को कह करके टारगेट किया जा रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, अब हम बताते हैं कि चॉकलेट बाबा मतलब शक्ति सिंह यादव वो कर क्या रहे हैं। तो इन दिनों सरवन कुशवाहा के चुनाव कैंपेनिंग को पूरी तरह से नवादा में देख रहे हैं और रेवरी, टिकटों की रेवरी भी बांट रहे हैं। अब नवादा में जो जनसभा हुआ आईटीआई के मैदान में, तेजस्वी यादव की जो चुनावी सभा हुई, उस मंच पर दो तीन चेहरे दिखे। एक चेहरे तो गोविंदपुर के पूर्व विधायक और पूर्व में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद कई दलों में वो गए, प्रोफेसर केवी प्रसाद वो मंच पर दिखे, भाषण भी दिया उन्होंने, मतलब कि वो राष्ट्रीय जनता दल में वापसी कर चुके हैं, घर वापसी हो चुकी है उनकी। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर ही वो एमएलए बने थे और मंत्री भी बने थे, उच्च शिक्षा और राज्य मंत्री बिहार में राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में 2000 से 2005 के कार्यकाल में। इसके अलावा उस मंच पर दिखी थी एक पूर्व जिला पार्षद, पिछले दफा विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी रजौली से, सुरक्षित सीट है रजौली, प्रेमा चौधरी। इस बीच में एक और वीडियो वायरल हो रहा था कि जिला परिषद की पूर्व चेयरमैन और जदयू की प्रदेश सचिव पिंकी भारती भी जदयू को छोड़कर के राष्ट्रीय जनता दल में जाने वाली हैं और वो चली भी गई हैं, विधिवत रिजाइनेशन उनका हो गया है। तो ये प्रेमा चौधरी और पिंकी भारती
ये रजौली विधानसभा के दावेदार बन गए थे कि हमें टिकट मिल सकता है, उसी लालच में या कहिए कि जो भी है टिकट का कुछ प्रस्ताव दिया होगा, दिया गया हो या राजनीति में निगोशिएशन होता है तो एज ए उम्मीदवार। लेकिन इन दोनों को तब झटका लग गया जब रजौली के 4 दफे विधायक रह चुके बनमारी राम भी आज राष्ट्रीय जनता दल में विधिवत शामिल हो गए। फिलहाल वो रालोजपा मतलब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस के नेता थे। हालांकि कई मौके पर वो राष्ट्रीय जनता दल से धोखा खा चुके हैं, फिर भी इस बार तेजस्वी में भरोसा जताते हुए सिदला में मंच पर दिखे आज। तो रजौली के 3 चेहरे तो बता दें आपको कि बनवारी राम, प्रेमा चौधरी और पिंकी भारती। गोविंदपुर में आपको बता ही दिए प्रोफेसर के बी प्रसाद और एक और जिला पार्षद कौआ कोल से हैं नीतीश राज, जो राजवल्लभ जी के भरोसेमंद माने जाते थे, वो भी पाला बदल करके राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं। बारसलीगंज की विधानसभा की चर्चा करें तो अशोक महतो की पत्नी को तो मुंगेर से लोकसभा का टिकट ही दे दिया गया शादी विवाह करा करके, और वहां के जो पूर्व विधायक है प्रदीप महतो, अशोक महतो के भतीजे हैं, वो भी अभी राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं। इस लोकसभा का एक और विधानसभा की बात करते हैं, कुल 6 विधानसभा है, आगे और बताएंगे। बरबीघा, तो बरबीघा में राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी के लिए कमान संभाल लिए हैं बड़ा मुस्तैदी से पूर्व विधायक सतीश कुमार। कुछ दिन पहले तक वो लोजपा रामविलास के चिराग पासवान की पार्टी में थे, कहीं से सेटलमेंट नहीं हुआ, तो एक खबर आप पढ़े होंगे कि 22 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया जिसमें रविंदर सिंह वगैरह का नाम था, रेणु कुशवाहा वगैरह का, उसमें सतीश कुमार भी थे। कई दलों में रह चुके, कोई ऐसा दल बचा नहीं जिसमें रह नहीं चुके हैं, ये अब राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं। तो बरबीघा विधानसभा से सतीश कुमार या कहीं नालंदा में अस्थामा वगैरह से ये चुनाव लड़ते उड़ते रहे हैं, तो अस्थामा वगैरह सेटलमेंट हो सकता है इनका। अब बच जाता है आपको नवादा विधानसभा की बात, तो नवादा में तो विवाद भी राजद की है लेकिन बगावत कर रही है। रजौली में तो आपको बता ही दिए प्रकाश वीर जब बगावत के मूड में है तो 3 चेहरे आ चुके हैं, बनवारी राम, पिंकी भारती, प्रेमा चौधरी। गोविंदपुर ये नवादा की बात कर लें तो नवादा में कहीं ना कहीं अंडर हैंड जो है सो बात जदयू के पूर्व विधायक कौशल यादव से भी इन लोगों की चल रही है, निगोशिएशन ऐसा हुआ है। चूंकि ये चर्चा आम चर्चा सड़क पे है कि इनके कुछ कार्यकर्ता जो खासकर के M22 समीकरण के हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि कोई ऑफिशियल इस टाइप की बात कौशल जी की तरफ से नहीं आई है, लेकिन आम चर्चा है और राजनीति में अगर चर्चाएं हैं तो समझिए आग है तो धुआं है, धुआं है तो आग है। तो ले दे करके जितना भी विधानसभा है, एक और देखिए जिला पार्षद राजवल्लभ जी के खास नरहट से जिला पार्षद पुष्पा भारती उनके हस्बैंड के बारे में है कि वो पाला बदल के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जा चुके हैं। तो नवादा जिले के जितने भी विधानसभा हैं, नरहट हिसुआ विधानसभा का हिस्सा है, तो जितने भी विधानसभा है सब जगह कुछ ना कुछ समीकरण कम्बिनेशन साधने का प्रयास किया गया है, और जो कुछ नेता इधर उधर थे या दूसरे दलों में थे उन्हें साधने का प्रयास किया गया है। ये काम, ये रणनीति नवादा में बैठ करके शक्ति सिंह यादव के द्वारा किया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मैसेजिंग तो है कि शक्ति सिंह यादव इस टाइप का कुछ कर रहे हैं। पिछली दफा भी जब MLC के चुनाव में भी वो पूरे के पूरे चुनाव नवादा में कैंप करते रहे, और अब भी पार्लियामेंट के चुनाव में भी एक तरह से महागठबंधन के प्रभारी के रूप में उनका नोटिफिकेशन नवादा में हुआ है और वो प्रभारी के रूप में यहाँ जमे हुए हैं, और 19 तारीख तक तो जब तक चुनाव नहीं होता, वोटिंग नहीं होता, तब तक वो जमे रहेंगे और निगोशिएशन जबरदस्त तरीके से चला रहे हैं। और ये जो फेहरिस्त आपको बताया कई नेताओं की सूची, जिला पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन, ये जो लंबी सूची, लंबी फेहरिस्त जो है सो इस बात का गवाह है कि निगोशिएशन उनके द्वारा तगड़ा किया जा रहा है। हालांकि जनता पे इस वक्त क्या इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है वो हम नहीं कह सकते हैं, वो तो 19 तारीख को पोलिंग डे या 4 जून को जब मतगणना होगी तब पता चलेगा, लेकिन एक मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि अशोक यादव के द्वारा आज ऊपर जबरदस्त तरीके से काउंटर किया गया और निक नेम चॉकलेट बाबा उन्हें दिया गया। तो चलिए चलते चलते आपको अशोक यादव का क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या लबो लुआब रहा, क्या उन्होंने बयान दिया, उसके साथ हम आपको छोड़ दिए जाते हैं। उससे पहले एक अपील कर देते हैं दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका जो चॉकलेट बाबा नालंदा में राष्ट्रीय जनता दल को चौपट कर दिया, किसी छिपा हुआ नहीं है, प्लेन कर दिया, लालटेन को बुझा दिया, आज फिर से बुझाने वाला नवादा में वही काम कर रहा है। और
दूसरा एक चीज बताना चाहते हैं, वो आपस में समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, यादवों लोग में कर रहा है कि तू ही यादव है, तू वो यादव है। अरे भैया, हम लोग ही यादव है, वो यादव है, तो सदिया कैसे होता है? क्या हम लोग इंटरकास्ट शादी करते हैं? जब एक है तभी तो शादी एक में हो रहा है, तो वो तो जहर घोल के चला जाएगा। 19 तारीख के बाद तो हम लोग को सबको साथ में रहना है। जनरल सीट है, रिजर्व सीट है आपका रजौली। बहुत सारा दलित भाई लोग को फुसला रहा है कि चलो तुमको टिकट कंफर्म है, तुमको टिकट कंफर्म है। तो ऐसा ऐसा तो धंधा विकास से कोई लेना देना नहीं होगा। और दूसरा बताना चाहते हैं आपका, आप यहाँ की जनता के सहयोग से विधान परिषद के चुनाव जो जीत के गए, तो कहीं हम लोग दूसरे दल में तो हम लोग नहीं समाहित हुए? जहाँ जरूरत पड़ा राष्ट्रीय जनता दल के लिए खड़ा रहे, कई कार्यक्रम हुआ, सभी में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हम लोग से कहाँ, हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल बनाने वाले लोग हैं।